अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, दिस इज द नेक्स्ट स्टेप ऑफ द अकाउंटिंग साइकिल, दैट इज प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वी नीड एन एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस। दिस इज अ प्रॉपर फॉर्मेट ऑफ एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस। फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू राइट द नेम ऑफ द कंपनी एंड देन द नेम ऑफ द स्टेटमेंट दैट इज एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस इन दिस केस, and the year for the year ending 31st of December 2015 or the, for the time when you are preparing the statement. Like if you are preparing the statement at the end of December 2020, then you will write for the period ending on or for the year ending on 31st of December 2020. There's a three column sheet. The very first column is about accounts or account explanation. The second column is about debit amount and a credit column. First of all, we list all current assets, then non-current assets, then we list current liabilities, non-current liabilities, then owner's equity accounts, then revenue-related accounts, and in the last, we list down all the expense-related accounts. So, हम इस format में अपने adjusted trial balance के अंदर accounts को list down करते हैं और हमारे जो भी ledgers के ending balances होते हैं, उन ending balances को report करते हैं. कैश इज अ नॉर्मल डेबिट बैलेंस, उसको डेबिट कॉलम में लिखेंगे. ऑल द एसेट्स एक्सपेंसेस एंड डिविडेंड्स हैव अ नॉर्मल बैलेंस एंड डेबिट बैलेंस, तो उनको डेबिट कॉलम में लिखेंगे. लाइबिलिटीज, रेवेन्यू एंड ऑनर्स इक्विटी रिलेटेड अकाउंट्स हैव अ क्रेडिट बैलेंस, तो उन सबको हम क्रेडिट कॉलम्स में लिखेंगे. देन जस्ट एड दम ऑन एंड चेक दैट वेदर योर एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस इज इक्वल और नॉट. If the adjusted trial balance is equal, then the next step is to prepare financial statements. यहाँ तक हम लोगों ने अपने last week में पढ़ लिया था. So adjusted trial balance के बाद financial statements के side पर आते हैं students. If you have a running business, it means that a business is in continuous progress में है, production हो रही है, काम कर रहा है पहले से, तो आपके पास previous year की balance sheet ज़रूर बनी हुई होगी. आप लोगों ने क्या करना है इस अकाउंटिंग पीरियड में, आप लोग सबसे पहले जो पहली फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनती है दैट इज़ इनकम स्टेटमेंट. इनकम स्टेटमेंट बनाने के बाद हम स्टेटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग्स बनाते हैं. स्टेटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग्स के बाद बैलेंस शीट बनती है एंड एट द एंड यू विल प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो. वन बाय वन एक्सप्लेन करते हैं व्हाट आर ऑल दीज स्टेटमेंट्स. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टॉक अबाउट द इनकम स्टेटमेंट. इनकम स्टेटमेंट बेसिकली रेवेन्यूज और एक्सपेंसेस, रेवेन्यूज और एक्सपेंसेस को हम मैच करके हम इस चेक करना चाह रहे होते हैं कि हमारा बिजनेस ने प्रॉफिट अर्न किया है या उसने लॉस फेस किया है. सो वी कंपेयर आवर रेवेन्यूज विद द एक्सपेंसेस एंड वी वांट टू चेक द कंपनीज प्रॉफिटेबिलिटी लेवल, राइट? सो दिस इज इनकम स्टेटमेंट. इनकम स्टेटमेंट इज ऑलवेज प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ एन अकाउंटिंग पीरियड. The second statement is statement of retained earnings. Statement of retained earnings actually owners की situation को depict करती है कि इस वक्त owners की investment कितनी है business में या उनका assets पे कितना percent उनका हिस्सा बनता है. So owners share in the business को explain करती है. Basically it's a 4-5 step statement जिसमें अगर profit हो तो हम add on कर देते हैं, loss हो तो हम minus कर देते हैं, dividends हुए हैं तो हम minus करेंगे. अगर किसी साल में डिविडेंड्स हैं तो डेफिनेटली डिविडेंड से भी ऑनर्स इक्विटी रिड्यूस होती है, तो वो डिविडेंड्स डिक्लेयर को भी हमें यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा. और अगर डिविडेंड्स नहीं है तो डेफिनेटली कोई फर्क नहीं पड़ेगा रिटेन अर्निंग्स को, और हम एंडिंग रिटेन अर्निंग्स कैलकुलेट कर लेंगे. स्टेटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग्स ये कंपनी में ये स्टेटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग्स कहलाती है, लेकिन अगर आप पार्टनरशिप बिजनेस और सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस की बात करें तो उसमें हम इसको स्टेटमेंट ऑफ कैपिटल अकाउंट भी कहते हैं, स्टेटमेंट ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी कहते हैं. बैलेंस शीट की बात करें तो बैलेंस शीट बेसिकली किसी भी कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन को एक्सप्लेन करती है, और ये आप किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पर इसको प्रिपेयर कर सकते हैं. बेसिकली इसमें तीन अकाउंट्स आते हैं, एसेट्स, लायबिलिटीज एंड ऑनर्स इक्विटी. स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो बेसिकली दैट्स नॉट अ पार्ट ऑफ दिस सेमेस्टर, बट स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो में बेसिकली वी टॉक अबाउट प्योरली कैश इनफ्लोज एंड कैश आउटफ्लोज. क्योंकि ये जो आपकी इनकम स्टेटमेंट होती है या ये जो पहले तीनों स्टेटमेंट्स होती हैं, इसके अंदर आपकी क्रेडिट सेल्स भी आ रही होती हैं. इट मीन्स कि आप लोगों ने अगर सेल्स की हैं ऑन क्रेडिट एंड द कैश अगेंस्ट द सेम ट्रांजेक्शन इज़ नॉट रिसीव्ड,
उसको भी आप अपनी कंसिडर कर रहे होते हैं सेल्स, और डेफिनेटली वो प्रॉफिट में भी वो चीज़ नज़र आ रही होती है, जो कि असल में प्रॉफिट कैश में नहीं होता, 100% कैश में नहीं होता। उसमें से बहुत सारा पैसा होता है जो अभी फ्यूचर में आपको मिलना होता है। लेकिन स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो में आप प्योर कैश टर्म्स में बात करते हैं कि कैश कितना आया और कितना गया, राइट? और एट द एंड आप उसको रिकनसाइल कर लेते हैं, आपके पास जो कैश अवेलेबल है उसके साथ आप रिकनसाइल कर लेते हैं। इसमें तीन सेक्शंस होते हैं, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, कैश फ्रॉम इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज़, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। तो उसमें जब आप इसको प्रिपेयर करेंगे तो उसमें आप इसको डायरेक्ट या इनडायरेक्ट मेथड से प्रिपेयर करना सीखेंगे। सबसे पहली स्टेटमेंट जो आप लोगों ने इस सेमेस्टर में डेवलप करनी है, दैट इज़ इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट के लिए स्टूडेंट्स ये फॉर्मेट होता है हमारे पास, दैट इज़ फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू राइट द नेम ऑफ द कंपनी, द नेम ऑफ द स्टेटमेंट एंड फॉर द टाइम पीरियड एट विच यू आर प्रिपेयरिंग द स्टेटमेंट। दिस इज बेसिकली दिस फॉर्मेट इज टर्म्ड एज सिंगल स्टेप इनकम स्टेटमेंट। इन अ सिंगल स्टेप इनकम स्टेटमेंट यू जस्ट हैव टू मेक टू हेडिंग्स, वन इज ऑफ रेवेन्यूज एंड द अदर वन इज ऑफ एक्सपेंसेस। यू लिस्ट डाउन ऑल द रेवेन्यू रिलेटेड अकाउंट्स वट एवर दे आर इन योर रजिस्टर्ड ट्रायल बैलेंस। आपके रजिस्टर्ड ट्रायल बैलेंस में जितने भी रेवेन्यू रिलेटेड अकाउंट्स हैं आप उनको राइट डाउन कर लेते हैं और उन सबका सम टोटल ले लेते हैं। इंटरनल कॉलम में आप उनको राइट डाउन करें और उसका सम टोटल आप एक्सटर्नल कॉलम में राइट डाउन कर दें। देन यू लिस्ट डाउन ऑल द एक्सपेंसेज। आपके रजिस्टर्ड ट्रायल बैलेंस के अंदर जितने भी एक्सपेंस रिलेटेड अकाउंट्स हैं आप एक्सपेंसिस की हेडिंग देंगे, तमाम एक्सपेंस रिलेटेड अकाउंट्स जो हैं उनको लिस्ट डाउन करेंगे, उनको इंटरनल कॉलम में लिखने के बाद ऐड ऑन करके एक्सटर्नल कॉलम में उसकी सम फिगर राइट करेंगे। एंड यू जस्ट हैव टू परफॉर्म वन स्टेप, दैट इज सम ऑफ ऑल रेवेन्यूज माइनस सम ऑफ ऑल एक्सपेंसेस। इफ द आंसर इज पॉजिटिव इट मीन्स योर रेवेन्यूज आर ग्रेटर देन योर एक्सपेंसेस, इट मीन्स फर्म हैज अर्न प्रॉफिट। Like in this particular case, the revenues are $6,100 and all the expenses are amounted to $2,705. And when you deduct these two figures, the difference is about $3,395. This is your firm's profit. In case if expenses exceeds revenues, I repeat, in case if expenses exceeds revenues, then it means the firm has suffered loss in this accounting period. तो यहाँ पर आप net income की बजाय net loss लिखेंगे। Let's say अगर expenses 6,000 के हैं, revenues आपके 3,000 के हैं, तो इस केस में आपके expenses बढ़ गए हैं revenues से और आप loss face कर रहे हैं $3,000 का। This is income statement, but this single step income statement works only for the service concerns and for the small businesses. इट मीन्स जैसे अब ये आपका बिजनेस जो है एक सर्विस कंसर्न था, तो यहाँ पे तो आपकी सिंगल स्टेप इनकम स्टेटमेंट चल गई है। लेकिन इन अ मर्चेंडाइजिंग कंसर्न और सिंपली इन अ कंपनी यू आर बाउंड टू प्रिपेयर मल्टीपल स्टेप इनकम स्टेटमेंट। इन अ मल्टीपल इनकम स्टेटमेंट द नेट इनकम वुड बी द वेरी सेम फिगर 3,395, बट यू कंप्यूट इन मल्टीपल स्टेप्स। लाइक उसमें ग्रॉस प्रॉफिट भी आता है, उसमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी आता है, उसमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी आता है, और उसके बाद कहीं जाके आप नेट इनकम पर आते हैं। तो उसका फॉर्मेट इस फॉर्मेट से डिफरेंट होता है। जब आप ट्रेडिंग बिजनेस पढ़ेंगे या जब आप कंपनी पढ़ेंगे तो उसमें आप लोग मल्टीपल स्टेप इनकम स्टेटमेंट बनाना सीखेंगे। इस सेमेस्टर के एंड पर आप लोगों को मल्टीपल स्टेप इनकम स्टेटमेंट बनाना आ जाएगी, राइट? So this is income statement, a single step, revenues minus expenses. It's a statement जिसमें सिर्फ आप revenues और expenses को list down करके उनको match करके firm की profitability को judge कर लेते हैं कि इस accounting period में, it means 2015, ये monthly statement है, it means सिर्फ monthly statement बन रही है कि दिसंबर के महीने में आपने profit कमाया है इतना। Now let's talk about statement of retained earnings. Basically the second step is to prepare the second statement. The format is that you need to write the name of the company, you need to write the name of the statement, you need to write the time period at which you are preparing the statement. Now this is a 4 or 5 step statement. First of all, you need to write the beginning balance of the retained earnings. As I said earlier, that if you are an accountant in a running business, then you have a previous balance sheet. पहले वाली आपके पास balance sheet पड़ी होगी, उसमें जो रिटेन अर्निंग्स का बैलेंस होता है उसको हम लोग अपना बिगनिंग बैलेंस ऑफ रिटेन अर्निंग्स कंसिडर करते हैं। और अगर आपका एक न्यू बिजनेस है लेट से, तो फिर आपका बिगनिंग बैलेंस रिटेन अर्निंग्स का 0 होगा, राइट?
नाउ बिगनिंग बैलेंस ऑफ रिटेन अर्निंग्स प्लस प्रॉफिट, इन केस अगर लॉस हुआ है तो माइनस कर देंगे यहाँ पे नेट लॉस. उसके बाद हम लोगों के अगर कोई कैश डिविडेंड्स हैं या अगर आपका सिंपल पार्टनरशिप बिजनेस है या सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस है तो वहाँ पर ड्राइंग्स होती हैं. इट मींस अगर सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस होता है तो वहाँ पर ड्राइंग्स हो सकती हैं, तो यहाँ पे आपने लेस करनी है ड्राइंग्स को. एंड इट गिव्स राइज टू एंडिंग बैलेंस ऑफ रिटेन अर्निंग्स. तो कंपनी के अंदर हम ये फोर स्टेप स्टेटमेंट बनाते हैं. इस पर्टिकुलर केस में देखिएगा, बिगनिंग बैलेंस ऑफ रिटेन अर्निंग्स इज जीरो. नेट इनकम जो कि आपके इनकम स्टेटमेंट से आ रही है, दैट इज 3,395. एड ऑन करें डिविडेंड्स हैं इसके पर्टिकुलर केस में 200. आपने एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में देखेंगे हमारे पास डिविडेंड्स है 200 के. मैं आपको दिखा देती हूँ, सी डिविडेंड्स 200 रुपीज के थे. तो ये डिविडेंड्स आप लोगों ने एक्चुअली वहां पे माइनस किए हैं. ओके, ये डिविडेंड्स आप लोगों ने माइनस किए एंड इट रिजल्ट्स इन एंडिंग बैलेंस ऑफ रिटेन अर्निंग्स, दैट इज 3,195. आफ्टर प्रिपेयरिंग द स्टेटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग्स, द नेक्स्ट स्टेप इज टू प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ बेसिकली बैलेंस शीट. नाउ दिस इज अ फॉर्मेट ऑफ प्रिपेयरिंग balance sheet, name of the company, name of the statement for the period ending on 31st of December and the year on which you are preparing the statement. This format of preparing balance sheet is known as account format of balance sheet. In account format, on the left hand side you write down all the assets, and in assets you first try to write down all the current assets and then non-current assets and then intangible assets, if any, in the business. In the right hand side of the balance sheet you will first write down liabilities, current liabilities first and then non-current liabilities, if any. And then in the very last section is the owner's equity section, where you write all the owner's equity related accounts. तो adjusted trial balance के अंदर जो assets हैं उन सबको list down करें और उनको add on करके उनका total कर लें. Adjusted trial balance में जो liabilities हैं उनको यहाँ पे write down करें, उनको add on कर लें. Owner's equity में बस आपने retain earnings वो वाला balance नहीं उठाना. Adjusted ट्रायल बैलेंस में जो रिटेन अर्निंग्स का बैलेंस है वो नहीं उठाना. रिटेन अर्निंग्स का बैलेंस आपने उठाना है स्टेटमेंट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स से, क्योंकि ये जो बैलेंस है वो एडजस्ट होके आ चुका है, इसमें प्रॉफिट्स एड ऑन हो गए हैं और जो डिविडेंड्स हैं वो लेस हो चुके हैं. सो ये रिटेन अर्निंग्स का बैलेंस यहाँ पे राइट डाउन करें. टोटल ऑनर्स इक्विटी कंप्यूट कर लें. लाइबिलिटीज प्लस ऑनर्स इक्विटी इज टोटल लाइबिलिटीज एंड ऑनर्स इक्विटी 42,395 का बैलेंस आ रहा है. ये अगर आपको याद हो तो हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन भी ये कहती थी दैट एसेट्स मस्ट बी इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस ऑनर्स इक्विटी. तो अगर आपकी बैलेंस शीट इक्वल आ रही है, इट मीन्स आप लोगों ने क्वेश्चन सही से अटेम्प्ट कर लिया है. दिस इज द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. आफ्टर प्रिपेयरिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, the next step is to prepare closing entries. Closing entries का format बिल्कुल वैसा ही होता है जैसे आपको general journal entries का format होता है या adjusting entries का format होता है. It means वही five columnar sheet होती है. But what are closing entries? This is the second last step of the accounting cycle. In closing entries, basically we close all temporary accounts. Basically सबसे पहले समझने की ज़रूरत है कि temporary accounts कौन से होते हैं और permanent accounts कौन से होते हैं. इसमें देखिएगा, ये लिस्ट आपको नजर आ रही है टेम्पररी अकाउंट्स की. बेसिकली रेवेन्यू, एक्सपेंसेस और डिविडेंड्स, दे आर ऑलवेज कंसीडर्ड एज टेम्पररी अकाउंट्स. और जो आपके बैलेंस शीट के आइटम्स होते हैं, एसेट्स, लायबिलिटीज एंड ऑनर्स इक्विटी, ये आपके परमानेंट अकाउंट्स कहलाते हैं. अगर आप इसको लर्न करना चाहें तो बैलेंस शीट के अकाउंट्स परमानेंट अकाउंट्स कहलाते हैं और रियल अकाउंट्स भी कहते हैं हम इनको. इनको क्लोज नहीं किया जाता, राइट? इनके जो बैलेंसेज होते हैं उनको हम कैरी फॉरवर्ड करते हैं इन द नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड. जबकि जो टेम्पररी अकाउंट होते हैं इनको हम इनकम स्टेटमेंट के अकाउंट्स भी कहते हैं, क्योंकि इनकम स्टेटमेंट में रेवेन्यूज और एक्सपेंसेस होते हैं. प्लस इनको हम नॉमिनल अकाउंट्स भी कहते हैं. और ये अकाउंट्स वो होते हैं जिनको हम क्लोज करते हैं, बिकॉज इनके बैलेंस को हमने ज़ीरो करना होता है. इनके बैलेंस को हम नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड में फॉरवर्ड नहीं करते, राइट?
Now, all temporary accounts that are revenues, expenses, gains and losses accounts are closed into an income summary account. हम एक closing entries pass करते हुए एक temporary account create करेंगे, that is income summary account. We close all nominal accounts in that income summary account, and then we close this income summary account into retained earnings or capital account in if you are talking about partnership or sole proprietorship business. Now, हम ऐसा करते क्यों हैं? What is the need of this? Why we close certain accounts? The reason is this, बेटा, कि revenues और expenses को हम यहीं पर zero कर जाएंगे ताकि next account पे accounting period में जब आप enter हों तो आपके revenues और expenses दोबारा से start हों. It means अगर आप Feb में enter हो रहे हैं तो first Feb को अगर आपका monthly accounting period है तो January के revenues और expenses को आप यहीं पर close करके profits declare कर देंगे 31st of Jan को, और जब यकम फरवरी को आप जाएंगे तो आप zero revenues का account भी zero होगा, expenses भी zero होंगे, ताकि आपको clearly पता चले कि Feb से related revenues कौन से हैं और February से related expenses कौन से हैं, ताकि फरवरी के एंड पर 28 या 29 फरवरी को जब आप अकाउंटेंट स्टेटमेंट बनाए तो वो फिर फरवरी के रेवेन्यूज को फरवरी के एक्सपेंसेस के साथ मैच करके फरवरी के महीने के प्रॉफिटेबिलिटी को एक्सेस करें. सो दैट्स व्हाई वी पास सर्टेन क्लोजिंग एंट्रीज. क्लोजिंग एंट्रीज आर 4 इन नंबर. नाउ दीज आर द 4 क्लोजिंग एंट्रीज. बस यही 4 क्लोजिंग एंट्रीज होती हैं हमारे पास. वेरी फर्स्ट क्लोजिंग एंट्री इज when we close all revenue related accounts into income summary account. What you have to do, you have to extract all revenue related accounts from the adjusted trial balance. आपके adjusted trial balance में जितने भी revenue related accounts हैं उनको point out कर लें. Revenue related accounts are friends normal balance credit होता है, so in order to close them we make a debit of all these revenue accounts. आप तमाम revenue related accounts को debit करेंगे और इसको close कर देंगे किसके अंदर, income summary account के अंदर, और इसको narrate करेंगे यहाँ पर to close all revenue related accounts. Now in order to close expenses, the second entry basically hoti hai wo expenses ko close karne ke liye hoti hai. Adjusted trial balance ke andar aapke paas jitne bhi expense related accounts hain, jitne bhi expense related accounts hain, un sab ka debit balance hota hai, un sab ko close karne ke liye aap un sab ko credit record karte hain, aur ek hi entry ke andar aap tamam expenses ko place kare aur un sab ka sum total karke usko उन सब का सम टोटल करके आप उसको इनकम समरी में डाल दें. सो इनकम समरी डेबिट और ऑल एक्सपेंसेस आर क्रेडिट. इसकी नरेशन क्या होती है, टू क्लोज ऑल एक्सपेंस रिलेटेड अकाउंट्स. जब आपने रेवेन्यूज और एक्सपेंसेस को क्लोज कर दिया, थर्ड एंट्री होती है टू क्लोज इनकम समरी अकाउंट. ये इनकम समरी की ये जो हमारी एंट्री होती है ये सिर्फ एक एंट्री होती है जो कि प्रॉफिट के केस में डिफरेंट होती है और लॉस के केस में टोटली रिवर्स हो जाती है. सो इस केस में आपने देखा हमारे पास प्रॉफिट है, रेवेन्यू कितना था 7400 का, एक्सपेंसेस कितने हैं 4415 के. इस केस में हमारे पास क्या है, प्रॉफिट. इन केस ऑफ प्रॉफिट हमारी एंट्री होती है इनकम समरी टू रिटेन अर्निंग्स. इनकम समरी डेबिट, रिटेन अर्निंग्स क्रेडिट. इन केस ऑफ लॉस फॉर एग्जाम्पल, अगर यहाँ पर हमारे पास रेवेन्यू होता 4000 का और एक्सपेंसेस होते 7000 के, तो 3000 का लॉस था. तो अगर लॉस होता तो हमारी एंट्री बिल्कुल रिवर्स हो जाती, मतलब द एंट्री शुड बी रिटेन अर्निंग्स डेबिट टू इनकम समरी क्रेडिट. और इसको हम नरेट कर देते हैं टू क्लोज इनकम समरी अकाउंट इनटू कैपिटल अकाउंट या जो भी ऑनर इक्विटी का अकाउंट होता है. अगर यहाँ पर पार्टनरशिप का बिजनेस होता या सोल प्रोपराइटरशिप होता तो हम इसको क्लोज करते कैपिटल में. इट मीन्स हम एंट्री करते इनकम समरी टू कैपिटल. और अगर यहाँ पर अब जैसे कंपनी का केस है तो इनकम समरी टू रिटेन अर्निंग्स. ये वो एंट्री है स्टूडेंट्स जो रिवर्स हो सकती है. प्रॉफिट के केस में ये होगी, लॉस के केस में बिल्कुल ऑपोजिट हो जाएगी, डेबिट अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, क्रेडिट अकाउंट डेबिट हो जाएगा. लेकिन जो रिमेनिंग 3 एंट्रीज हैं ये हमेशा ऐसे ही रहती हैं. लास्ट एंट्री इज टू क्लोज ड्राइंग या टू क्लोज डिविडेंड अकाउंट. ये स्टूडेंट्स ऑप्शनल होती है, समटाइम्स किसी क्वेश्चन में डिविडेंड्स होते हैं, किसी क्वेश्चन में ड्राइंग्स होती हैं, तो अगर ये हैं तो फिर आपको क्लोज करनी पड़ेगी. फॉर एग्जाम्पल इस केस में हम सपोज कर लेते हैं हमारे डिविडेंड्स हैं 3200 रुपए के, तो इसको क्लोज करना है हम लोगों ने रिटेन अर्निंग्स डेबिट डिविडेंड्स क्रेडिट. अगर यहाँ पर सोल प्रोपराइटरशिप का बिजनेस होता तो हम इसको क्या करते, कैपिटल टू ड्राइंग्स करते, क्योंकि वहाँ पर ऑनर इक्विटी के लिए अकाउंट यूज होता है कैपिटल
और वहाँ पर डिविडेंड्स की बजाय वहाँ पर टर्म यूज़ हो रही होती है ड्राइंग्स, जब ऑनर अपने बिजनेस में से अपने ही पर्सनल यूज के लिए कुछ एसेट्स विड्रॉ करता है, दैट इज टर्म एज ड्राइंग्स, तो हम कैपिटल टू ड्राइंग्स एंट्री करते हैं। पार्टनरशिप बिजनेस में भी आपका जिस पार्टनर ने ये ड्राइंग्स की हैं उसके नाम से वो एंट्री होगी, इट मीन्स कैपिटल टू पार्टनर ए, कैपिटल पार्टनर ए, ड्राइंग्स पार्टनर ए, तो उस हिसाब से आपकी एंट्री होगी। आफ्टर पासिंग द क्लोजिंग एंट्रीज, ये लेजर्स बनाना ज़रूरी नहीं होते, ये लेजर्स बनाना ज़रूरी नहीं होते, लेकिन ये बेसिकली आपको सिर्फ ये दिखा रही है कि हमारे तमाम एक्सपेंसेस, रेवेन्यूज और डिविडेंड अकाउंट्स का बैलेंस हमने नील कर दिया है। अब यहाँ पे देखिएगा, सर्विस बिजनेस के अंदर उनका 7400 का बैलेंस आ रहा था, जो भी उसका लेजर का बैलेंस था, तो ये उसके लेजर का बैलेंस नज़र आ रहा है आपको 7400। अब आपने जो एंट्री पास की है उसमें आपने सर्विस रेवेन्यू को कर दिया डेबिट, मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखें इस एंट्री में आपने क्या किया, सर्विस रेवेन्यू को डेबिट कर दिया, तो ये आपको दिखा रही है कि सर्विस रेवेन्यू को जब आपने डेबिट किया तो ये अकाउंट का बैलेंस हो गया नील, 7400 क्रेडिट बैलेंस, 7400 डेबिट बैलेंस, ये कैंसिल होके सर्विस रेवेन्यू का बैलेंस कितना हो गया है नील। तो ये हमारा रेवेन्यू रिलेटेड अकाउंट था जिसका बैलेंस हमने नील कर दिया ताकि नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड में ये जीरो से स्टार्ट हो। नाउ यहाँ पर एक और एक्सपेंसेस रिलेटेड अकाउंट्स को भी उन्होंने नील किया हुआ है, एक एक्सपेंस रिलेटेड अकाउंट में डिस्कस कर लेती हूँ। रेंट एक्सपेंस का प्रीवियस बैलेंस आ रहा था 1000, प्रीवियस बैलेंस कितना आ रहा था 1000, जब आपने उसको क्लोज किया तो आपने रेंट एक्सपेंस को किया था डेबिट, ये देखिए रेंट एक्सपेंस को आपने क्रेडिट कर दिया 1000, रेंट एक्सपेंस को जो आपने क्रेडिट किया यही बैलेंस जब आपने लेजर्स में डाला तो क्लोजिंग एंट्री की वजह से जब 1000 क्रेडिट हुआ तो यहाँ पे डेबिट बैलेंस 1000, क्रेडिट बैलेंस 1000, अकाउंट का बैलेंस हो गया नील। तो इसी तरह हमने जितने भी एक्सपेंस रिलेटेड अकाउंट्स हैं अगर आप इनका लेजर बनाना चाहें तो बना लें, अदरवाइज इज नॉट नेसेसरी, इनका सबका बैलेंस हमने जीरो कर दिया। सिमिलरली जो हमारे डिविडेंड्स थे उनका डेबिट बैलेंस आ रहा था 3200, क्लोजिंग एंट्री के बाद उनको हमने क्रेडिट रिकॉर्ड किया 3200 और उनको नील कर दिया। और थर्ड ट्रांजेक्शन में हम लोगों ने क्या किया था कि हमने इनकम समरी को भी क्लोज कर दिया था। इनकम समरी को हमने कैसे क्लोज किया, इनकम समरी को हमने रिटेन अर्निंग्स में क्लोज किया था, तो इनकम समरी का जो अकाउंट था वो हमने फर्स्ट ट्रांजेक्शन में बिल्डअप किया और थर्ड ट्रांजेक्शन में हमने उसका बैलेंस नो कर दिया, जबकि हमने रिटेन अर्निंग्स का जो हमारा बैलेंस था वो हमारा अपडेट हो गया कि हमारे रिटेन अर्निंग्स का ओपनिंग बैलेंस था दैट वॉज 11250, उसमें आप लोगों ने डिविडेंड्स आपके माइनस हो गए थे। वेयर इज माई कर्सर, ये रिटेन अर्निंग्स में आप लोगों ने क्या किया, 11250 आपका बिगनिंग बैलेंस था, 3200 आप ये डिविडेंड्स आपने रिटेन अर्निंग्स के अंदर क्लोज किए हैं, और आपने जो रेवेन्यूज और एक्सपेंसेस का जो सम आ रहा था इनकम समरी से वो आपने क्लोज किया रिटेन अर्निंग्स में। तो वो क्लोज करने के बाद आपका रिटेन अर्निंग्स का क्रेडिट बैलेंस अपेयर हो रहा है एंडिंग, दैट इज 1135। कैसे आपने रिकॉर्ड किया इसको, कैसे कैलकुलेट किया, दोनों क्रेडिट बैलेंसेस को ऐड कर लें, 11250 प्लस 2985, क्रेडिट बैलेंसेस ऐड होते हैं और डेबिट बैलेंस होगा वो उसमें से माइनस हो जाएगा, सम करने से के बाद क्रेडिट बैलेंस डेबिट बैलेंस माइनस करें द एंडिंग बैलेंस वुड बी 11035। सो आफ्टर पासिंग दीज क्लोजिंग एंट्रीज द लास्ट स्टेप ऑफ द अकाउंटिंग साइकिल इज टू प्रिपेयर पोस्ट क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस, इसको हम आफ्टर क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस भी कहते हैं। दिस इज ऑफ अनदर कंपनी दैट इज एयर एंड सी ट्रेवल्स इनकॉर्पोरेशन, दिस इज ऑल्सो अ सर्विस कंसर्न, राइट द नेम ऑफ द स्टेटमेंट दैट इज पोस्ट क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस एंड राइट द डेट। नाउ इस पोस्ट क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस में और बैलेंस शीट में किसी किस्म का कोई फर्क नहीं होता, इट मीन्स बैलेंस शीट और पोस्ट आफ्टर क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस और पोस्ट क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस आर द सेम थिंग, लेकिन यहाँ पर जो बैलेंस शीट है या जो भी रिपोर्ट है ये बेसिकली अकाउंट फॉर्मेट में नहीं बल्कि रिपोर्ट फॉर्मेट में बनी हुई है। अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने बैलेंस शीट डिस्कस की थी और मैंने फॉर्मेट आपको बताया था कि वो अकाउंट फॉर्मेट है, दिस इज अ रिपोर्ट फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट। इसमें इसी तरह आप लोगों ने पहले करंट एसेट्स राइट डाउन करने हैं, नॉन करंट एसेट्स लिखनी है, करंट लाइबिलिटीज लिखनी है, नॉन करंट लाइबिलिटीज लिखनी है, और फिर उसके बाद ऑनर्स इक्विटी रिलेटेड अकाउंट्स राइट डाउन करनी है, सम कर दें डेबिट कॉलम का, सम कर दें क्रेडिट कॉलम का, एंड यू विल गेट द आंसर इफ द बोथ डेबिट एंड क्रेडिट अकाउंट्स हैव एन इक्वल बैलेंस, इट मींस आप लोगों ने सही स्टेटमेंट प्रिपेयर की है। नाउ स्टूडेंट्स, पोस्ट क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस के बाद इन केस इफ अगर अकाउंटेंट से कोई गलती हो जाती है
किसी किस्म की एट द टाइम ऑफ जनरलाइजिंग या पोस्टिंग, तो आप उन अकाउंटिंग एरर्स को करेक्ट कर सकते हैं इन केस इफ अगर कोई हो जाए तो। यहाँ पर एक छोटी सी एग्जांपल आपके पास, इफ एन अकाउंटेंट हैज़ डिटेक्टेड दैट सप्लाइज की परचेज की एंट्री थी सप्लाइज डेबिट और कैश क्रेडिट, लेकिन उसने फर्नीचर बाय किया था, 5,000 कैश वॉज पेड फॉर फर्नीचर, जो कैश वॉज पेड टू बाय फर्नीचर, बट मिस्टेकनली द अकाउंटेंट हैज डेबिटेड सप्लाइज अकाउंट, तो फर्नीचर की बजाय उसने सप्लाइज अकाउंट को डेबिट कर दिया था। अब इसको करेक्ट करने के लिए आप करेक्शन एंट्रीज भी पास कर सकते हैं अपने सिस्टम में, दैट इज़ क्या आपने सप्लाइज को क्रेडिट कर दिया और जो एसेट आपने बाई किया था फर्नीचर उसको आपने इंक्रीज इन एसेट्स डेबिट रिकॉर्ड कर दिया। तो इस तरह जो भी आपकी अकाउंटिंग एरर्स होते हैं वो एट द एंड ऑफ एन अकाउंटिंग पीरियड करेक्ट भी हो सकते हैं, समटाइम्स रिवर्सिंग एंट्रीज भी पास की जाती हैं, बट दीज आर ऑप्शनल इन केस अगर इनकी जरूरत महसूस हो तो हम पास करते हैं, अदरवाइज देर इज नो नीड टू पास ऑन दीज ट्रांजेक्शन्स। दिस इज द होल अकाउंटिंग पीरियड, होल अकाउंटिंग साइकिल विच वी हैव डिस्कस्ड। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन प्लीज पुट द क्वेश्चन इन योर रिस्पेक्टिव क्लास व्हाट्सएप ग्रुप। जज़ाकअल्लाह सर मुझे।